मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे तुझे अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं यार, मजा नहीं आया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू प्रपोज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं भीख मांग रहा है। पता नहीं यार, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है यार। ऑडिशन के डर से यार मुझे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तू एक बार ऑडिशन दे ले, सब ठीक हो जाएगा। मोहन, मोहन कौन है इधर? जी सर, मैं हूँ। आपको अंदर बुलाया है। जी, ऑल द बेस्ट। मैं ठीक हूँ ना? कम इन सर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। खड़े हो जा मोहन, सुपर जॉब। अरे यार, ओवर एक्टिंग मत करो मोहन, खड़े हो जाओ। सर, बाहर कोई लड़का बेहोश हो गया है, जल्दी चलिए सर। राजेश, एम्बुलेंस को बुलाओ। जी सर। तुझे कि अनजान चीजों को मत छुआ कर, कुछ भी हो सकता है। समझ में नहीं आता तुझे? तो इस दफे को हम खोल सकते हैं? ये शॉप? हाँ सर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं दिखा रहे, इसमें बॉम्ब नहीं हो सकता। चेक करो। डब्बा सर्विस का निशान पता करो, कौन सी डब्बा सर्विस है? ऑफिसर, इस पूरी एरिया को ठीक से चेक कीजिए। जी सर। कहीं कुछ और भी हो सकता है, और उस डब्बे वाले को पुलिस स्टेशन बुलाइए, वॉर्न कीजिए उसको। ये डब्बा उसने यहाँ पे क्यों छोड़ा, बिना किसी बात के इतना पैनिक हो गया। क्विक। ओके सर। सर सर, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक डब्बा है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। बैठे, थैंक यू। अगर बाकी नागरिक भी आप जैसे सचेत रहे, वैसे बहुत सारे हादसे हम रोक सकते हैं। अर्जुन, ड्यूटी जरूरी है, लेकिन लेकिन सेहत से जरूरी नहीं।
अरे भाई बीमार रहोगे तो ड्यूटी कैसे करोगे? देखो इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं, हाँ मेरा कहा मानो, थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा भी है। मेरे लिए नहीं डॉक्टर साहब, मुजरिमों के लिए अच्छा होगा। खैर एसीपी अर्जुन रावटे को कौन समझा सकता है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स चेक कर ली है, नॉर्मल है, और आपको मेरी असिस्टेंट बता देगी कि अगले रूटीन के लिए कब आना है। हालांकि मैं जानता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट में तुम सबसे ज्यादा फिट निकलोगे, फिर भी मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, एक दिन की छुट्टी ले लो। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आइए। इसकी नब्ज तो चल रही है, लगता है पॉइजनिंग का केस है। नर्स तुरंत ओटी तैयार करो। अरे सुनो, तुम मुझे सुन सकते हो? ये कैसे हुआ, क्या खाया तुमने? डब्बा। डब्बा? हाँ, खाने का डब्बा। इसे तुरंत ओटी में लेके चलो, कम ऑन फास्ट। लोकल पुलिस का केस है, पुलिस के हवाले करो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए। तुम इनके साथ आए थे? है कौन ये दोनों? ये लोग हमारे स्टूडियो में ऑडिशन के लिए आए थे और एकदम से बेहोश हो गए, ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है सर। कौन सा स्टूडियो? एसएल स्टूडियो, अंधेरी में, कांजी पार्क के बिल्कुल सामने। आ रहा होते, चेकअप हो गया तुम्हारा? हाँ चेकअप तो हो गया, दो लड़कों को अभी हॉस्पिटल लेके आया गया। जहरीला खाना खाया उन्होंने, पुलिस हॉस्पिटल के पास से इसलिए उन्हें यहाँ लाया गया। तो पुलिस ये केस हैंडल कर लेगी? लड़के ने कहा कि उन्होंने किसी डब्बे का खाना खाया जिसकी वजह से हुआ। अगर घर का डब्बा था तो बात अलग है राठौर, लेकिन अगर किसी डब्बा सर्विस का था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि यही खाना बहुत लोगों के पास गया होगा। ये तो वाकई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। वो लड़के थे कहाँ? देहरी के कांजी पार्क के सामने किसी एसएल स्टूडियो में। व्हाट? अभी कांजी पार्क में? हाँ क्या कर रहे हो तुम? एक बॉम्ब स्केयर था, किसी ने डब्बे। एक मिनट रहते, मैं कॉल करता हूँ। हवलदार डब्बा कहाँ है? इस डब्बे को ईटीएफ ऑफिस लेके जाओ और मेरी टीम से कहो इसके अंदर जो खाना है उसको टेस्ट करें जल्दी। जी सर। श्री पता चला ये डब्बा कौन सी डब्बा सर्विस का है? हाँ सर, किशन डब्बा सर्विस। गुड, हमारे पास वक्त नहीं है, हम रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें जो करना होगा अभी करना होगा। पता करो कि ये किशन डब्बा सर्विस का डब्बा कहाँ कहाँ जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाओ, फोन करो, आदमी भेजो, जो करना हो करो लेकिन जल्दी करो, और एक एक आदमी को फोन करो और उनसे कहो इस डब्बे का खाना ना खाए। हेलो किशन डब्बा सर्विस, आपका क्लाइंट का लिस्ट। क्या आपके यहाँ किशन डब्बा सर्विस का डब्बा आता है? क्या आपने उसे खाया? खाइए मत। खा लिया लेकिन अब ठीक है? क्या अब ठीक है? अब ठीक है। ओके। किशन डब्बा सर्विस के सारे क्लाइंट सही हैं। हो सकता है उन लड़कों ने जिस डब्बे से खाना खाया हो वो डब्बा घर से या फिर किसी और डब्बा सर्विस से आया। हॉस्पिटल फोन करो और पता करो कि फूड पॉइजनिंग के और केसेस रिपोर्ट हुए हैं क्या। सर, लैब रिपोर्ट से पता चला है कि डब्बे के खाने में जहर था। हॉस्पिटल फोन मिला के डॉक्टर से पता करो, जो विक्टिम्स आज एडमिट हुए हैं उनकी बॉडी से जो जहर के ट्रेसेस मिले उसके बारे में उन्हें कुछ पता चला या नहीं। हेलो डॉक, विक्रांत हो? ओके ओके थैंक यू, इट्स द सेम सर, वही जहर है। इसका मतलब उन दोनों लड़कों ने इसी डब्बे का खाना खाया, लेकिन सर उसके और किसी डब्बे में तो जहर नहीं मिला हुआ था, सिर्फ इसी डब्बे के खाने में जहर मिलाया गया, लेकिन किसने मिलाया और क्यों? छोड़ो सर, किशन को इंटरोगेशन के लिए लेके आओ। ओके सर। ईटीएफ? हाँ ईटीएफ,
इमरजेंसी टास्क फोर्स, सबसे पहले तुम्हारे डब्बे में बॉम्ब है ये समझकर लोग डर गए, और अब तुम्हारे डब्बे के खाने में जहर है। तुम्हारे डब्बे के खाने से एक लड़की की मौत हो चुकी है और दूसरा क्रिटिकल कंडीशन में है। किशन जी, तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, तो चलिए मेरे साथ। जरूर सर, कोई गलती हुई होगी, हमारे टिफिन में जहर नहीं हो सकता। बस वही तो मालूम करना है किशन जी, चलिए। सर प्लीज, इन्हें ऐसे मत लेके जाइए, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सीधे साधे लोग हैं और काफी टाइम से लोगों के यहाँ डिब्बा भिजवाते हैं, और आज तक भी हमारे खाने की क्वालिटी की कहीं से भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जहर, जहर तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ सर, बस उसी को लेकर आ रहा हूँ। ओके सर, आप दिल के मरीज है? हाँ, लेकिन दवाई साथ लेके चलिए। चलिए मेरे सर। बहुत अजीब बात है सर। क्या? डब्बे की डिलीवरी एरिया के हिसाब से होती है। जिस एरिया में ये डब्बा गया था उस एरिया में किशन के 20 डब्बे जाते हैं। तो इन लड़कों का नाम लिस्ट में है नहीं सर। मैंने इन 20 लड़कों से बात की, सबने डब्बा खोल के खा भी लिया, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये 21वां डब्बा था, यानी क्लाइंट्स 20 और डब्बे 21। इस 21वें डब्बे का राज शायद किशन हमारे लिए खोलेगा। दवाइयां तुम्हारी हैं जी, इनको पहचानते हो? नहीं सर। तो फिर इन्हें मारना क्यों चाहते थे? सर मैं इनको जानता नहीं तो मारना क्यों चाहूंगा? झूठ मुझे पसंद नहीं, और मेरा सच उगलवाने का तरीका तुम जैसों को पसंद है। सर मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता इनको। लैब की रिपोर्ट्स, इसके मुताबिक तुम्हारे दिल की दवाइयां बहुत ज्यादा मात्रा में इस खाने में मिली हुई थी, और इन लड़कों के पेट से भी मिली। इसी वजह से एक लड़के मोहन की मौत हो गई और दूसरा विजय क्रिटिकल है, और ये तुम्हारे किसी और खाने के डब्बे में नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि तुम सिर्फ इन्हीं दोनों को मारना चाहते थे। नहीं सर, मैं इनको जानता नहीं, और ना ही ये हमारा टिफिन लिया करते थे। जानता हूं, तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारे घर से सिर्फ 20 डब्बे निकलते थे, फिर ये 21वां डब्बा कहां से आया? 21वां? सर हम वहां कोई एक्स्ट्रा डब्बा नहीं दिया करते थे। तो फिर ये डब्बा उन लड़कों के पास कैसे पहुंचा? सर मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता कि हमारे यहाँ से 20 डब्बे जाते थे बस। हम तुम्हें गिरफ्तार करते। सर नहीं सर, सर मज़े गोश्त है कसर। आई छोटू चला गया उनसा। सर मेरा विश्वास कीजिए सर। चलिए सर, सर मैं सच कह रहा हूँ सर। चला सर, मेरी बात तो सुनिए सर। इतना तो तय है, उन लड़कों ने जिस डब्बे का खाना खाया ये वही डब्बा है जो हमें पार्क में मिला था। खाना खाने के बाद पास के एसएल स्टूडियो में ऑडिशन देने चले गए, लेकिन खाने का डब्बा वहीं क्यों छोड़ गए? शायद भूल गए सर। किशन तो कह रहा था कि वो लड़कों को जानता भी नहीं, तो फिर उन्हें वो डब्बा क्यों देगा? शायद वो डब्बा उन्हें किसी और ने दिया, कहीं कुछ तो छूट रहा है। 20 डब्बे अपने अपने ठिकाने पे पहुंच गए, लेकिन ये 21वां डब्बा? मोहन के बारे में और पता लगाना होगा राठौड़। तोड़ो। रुको रुको, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? और कौन हो आप लोग? इमरजेंसी टास्क फोर्स। मोहन और विजय अभी घर पर नहीं है। मालूम है, हमें उनके कमरे की तलाशी लेनी है। चाबी है तुम्हारे पास? नहीं तो, लेकिन हुआ क्या है? तुम कौन हो? मैं सोनाली, यही पास में रहती हूँ। मोहन और विजय को जानती थी? मोहन मेरा बॉयफ्रेंड है। I'm sorry, लेकिन आज दोपहर में मोहन की मौत हो गई। क्या? रुक, प्लीज।
सर सोनाली को बुला के लो। सोनाली जी क्या इन दोनों का किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी? नहीं सर, इन दोनों की तो सबसे पड़ती थी। इनका खाने का डब्बा कहाँ से आता था? ऐसी कोई जगह नहीं थी, कभी इधर से खा लेता तो कभी उधर से। क्या किशन डब्बा सर्विस से कभी भी दोनों के लिए कोई डब्बा आया? पता नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं आया। किशन के यहाँ से एक डब्बा निकलता है, वो डब्बा किसी तरीके से मोहन और विजय के हाथ लगता है। वो उस डब्बे का खाना खाते हैं, लेकिन इत्तफाक से उस खाने में जहर था। अगर वाकई में किशन ने खाने में जहर मिला है तो फिर वो दो अनजान लोगों को मारने की कोशिश क्यों करेगा? और फिर अगर ये डब्बा किसी के नाम पे था ही नहीं तो वो घर से निकला ही क्यों? चलो घर से निकल भी गया, उसी में क्यों जहर? और विजय और मोहन के हाथ में क्यों लगा? सारे सवालों का जवाब बस एक ही चीज से मिल सकता है। किस चीज से? डब्बा नंबर 21। हाँ है तो हमारे ही, लेकिन उस एरिया में तो हमारे केवल 20 डब्बे ही जाते हैं। आपको ये तो याद होगा कि कल आपने खाने के डब्बे में क्या भेजा था? हाँ, दाल चावल आलू की सब्जी और चना। श्री, ये सब था जो ये कह रही है सर। बात साफ है ऋतु जी, खाने का डब्बा आपका और उसके अंदर वही खाना है जो बाकी लोगों को भी गया। खाना आप ही बनाती हैं? नहीं, खाना मैं नहीं बनाती हूँ, खाना बनाने वाला आता है और खाना बनाकर पैक करके चला जाता है। फिर सुबह डब्बे वाला आता है, अपने हाथ गाड़ी में डालकर सारे डब्बे लेकर स्टेशन चला जाता है। किशन के एरिया से डब्बे वाले अंधेरी स्टेशन पहुंचते हैं। डब्बे वालों के 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 20 मेंबर और हर मेंबर के 40 कस्टमर, यानी कुल मिला के 3,200 डब्बे रोज सुबह 9 बजे अंधेरी स्टेशन पहुंचते हैं। 10 बजे से पहले सॉर्ट कर लिए जाते हैं जब डब्बा वाला स्पेशल ट्रेन आती है। रेलवेज ने भी डब्बा वालों को स्पेशल प्रोविजन दी है और प्लेटफॉर्म पे अलग जगह, ताकि इनको डब्बा सॉर्ट आउट करने में आसानी हो। 10 से 11 के बीच में जितनी भी ट्रेन चलती है सब में इनके कोचेज ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। ये 80 डब्बे वाले ट्रेन में ही अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं इस हिसाब से कि कौन से डब्बे कौन से एरिया में डिलीवर होंगे। मान के चलो अगर 150 डब्बे ग्रांट रोड में डिलीवर होने हैं तो उसे डिलीवर करने 4 डब्बे वाले जाएंगे, क्योंकि एक डब्बा वाला 35 से 40 डब्बे ही डिलीवर करता है। सॉर्टिंग के दौरान हर डब्बे वाला अपने डब्बों पे ध्यान देता है, इरिस्पेक्टिव कि वो कहाँ से आए हैं, यानी 10 से 15 मिनट सॉर्ट करने में और ट्रेन में अरेंज करने में लग जाते हैं, तो तकरीबन 12:30-1 बजे तक ये सारे डब्बे ऑफिसेज में पहुंच जाते हैं। इस हिसाब से ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब इन डब्बों के साथ छेड़खानी हो सके या इनकी अदला बदली हो सके। हालांकि ये सब कुछ एक कोड पे चलता है, जैसे VLP मतलब विलेपाल स्टेशन, EX मतलब एक्सप्रेस कार, कौन सा फ्लोर और उसके बाद कौन सा ऑफिस नंबर, ई मतलब वो स्टेशन जहां से वो डब्बा शुरू हुआ और जहां उतरता है। एक एक डब्बा कैसे पहचानेगा साहब? हम तो पिछला कोड देख के डब्बा पहचान लेते हैं साहब। और जिन डब्बों पे कोड नहीं होता उन्हें कहाँ छोड़ते हो? पार्क में काय को छोड़ेगा साहब, जिन डब्बे में कोड नहीं उसको वापस भेज देते हैं। तो फिर इस बिना कोड वाले डब्बे को कहाँ छोड़ा था कल? कल तो साहब मैंने कोड वाला डब्बा बराबर अपनी जगह पे छोड़ा था साहब, और बिना कोड का तो कोई डब्बा ही नहीं था साहब। किशन डब्बा सर्विस के सारे टिफिन कल तुम्हें डिलीवर किए थे? बराबर सर, बराबर, लेकिन साहब मैं कल ही इधर आया साहब। इधर पहले पिंटू करता था, लेकिन उसका पैर में थोड़ा चोट लग गया, इसलिए मैं इधर बदली पे आया है साहब। डब्बा तुमने कल ही डिलीवर किया था ना, किसको किया था? भाई संपत साहब, मैं सच बोल रहा है साहब, लिस्ट देख लो साहब, मैंने 20 का 20 डब्बे पूरा बराबर अपनी जगह पे छोड़ा साहब। 20 नहीं 21। आप वही मिस्टेक करेला साहब, कल मेरे को ऐसा लगा 21 डिब्बा होएगा, लेकिन जब छोड़ने के बाद मैंने वापस दोबारा से काउंटिंग किया तो 20 ही डिब्बा था साहब। बात को घुमाया तो दूंगा ही घुमा के। डराता कहे को है साहब, मैं तो सच बोल रहा साहब।
तुमने कहा कि तुम्हें लगा कि डब्बे 21 थे और उसके बाद लगा 20, मतलब बराबर सर, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट था। मैं स्टेशन पे आके डब्बा काउंटिंग किया तो 21 डब्बा था साहब, लेकिन जब थोड़ा देर डब्बा देने के बाद फिर से वापस काउंटिंग किया तो वो 20 ही डब्बा निकला साहब। मैंने फिर वो हाथ गाड़ी वाले को भी फोन किया था ना साहब। हाँ भाऊ, मैं राजू बोलता भाऊ। ये किशन डब्बा सप्लाई का कितना डब्बा था भाऊ? 20 की 21। हाँ बराबर बराबर 20 ही होएगा भाऊ, मेरे से गिनने में गलती हो गया होएगा। हाँ 20 ही होएगा, बराबर बराबर। किस पॉइंट पे आके तुम्हें ऐसा लगा कि डब्बे 21 नहीं 20 है? अभी बोले तो साहब, जब मैं स्टेशन से सपना अपार्टमेंट तक गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि 21 डब्बा है। उधर से डब्बा सप्लाई करते करते जब मैं नयन सुख विल्ला पहुंचा तो उधर 20 ही डब्बा था साहब, तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस हो गया साहब कि 20 ही डब्बा होएगा। तो 21वां डब्बा सपना अपार्टमेंट और नयन सुख अपार्टमेंट के बीच में गायब हुआ, मतलब? इसका मतलब इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच के रास्ते को चेक करने से ही पता चलेगा छोटू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।